एक और अहम खबर आपको देंगे। सहाफी मोहसिन बेग के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा हाई कोर्ट में चैलेंज। मोहसिन बेग की अहलिया की अदालत से मुकदमा खारिज करने की इस्तदा। पुलिस ने थाना मार्गला में झूठा और बेबुनियाद मुकदमा दर्ज किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट पुलिस को मुकदमा खारिज करने का हुक्म दे। दरखास्त गुजार की जानिब से मौकिफ अपनाया गया। इंसदादे दहशतगर्दी केस के हवाले से आपको आगाह करेंगे। सहाफी मोहसिन बेग के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है। मोहसिन बेग की अहलिया की अदालत से मुकदमा खारिज करने की इस्तदा सामने आई है। इसी हवाले से मजीद हम बात करेंगे। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, फयाज महमूद, आगाह कीजिएगा, मजीद क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी, कल मोहसिन बेग को गिरफ्तार किया गया था, तो उनके खिलाफ दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। तो आज उनकी अहलिया ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है और अदालत में उन्होंने मौकफ अपनाया है कि उनको गैर कानूनी तौर पे इस मुकदमे में फंसाया गया है। तो अदालत से इस्तदा ये की गई है कि ये मुकदमा न सिर्फ खारिज किया जाए, उनको फौरी तौर पर उनके रिहाई के अहकाम भी जारी किए जाए। अदालत से इस्तदा की गई है। तो ये आज उनकी अहलिया ने अपने वकील की तवस्सुल से दरख्वास्त दायर की है। जी, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।